गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और इतने दिन में कहाँ थी, बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहा है फ्रेंड, और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और बहुत दिन से आप लोगों के साथ मैं नहीं मिली हूँ। बहुत मिस की हूँ आप लोगों को, मेरी वाईटी फैमिली को, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बस एक फैमिली बन गए हैं। और मैं इतने दिनों में कितना स्ट्रेसफुल रही हूँ तो मैं वो चीज़ आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन आज एक अपडेट लेकर के आई हूँ कि आई एम बैक। और क्यों मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया था और कितना कॉपीराइट आने के बाद, क्योंकि 3 कॉपीराइट आने के बाद भी बहुत मुश्किल होता है चैनल को वापस करना, लेकिन मेरे पास 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बिल्कुल 10 स्ट्राइक थे मेरे चैनल पे। और किसी ने फेक, पता नहीं क्यों लोगों की इस तरह से भावना हो गई है, लोग एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, लोग किसी को आगे नहीं देखना चाहते हैं। तो किस तरह से मैंने अपने चैनल को रिकवर किया, अकेले लड़ाई लड़ी हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी वाईटी फैमिली है सब लोग पूछते थे, तो मैं बोलती थी मैंने चैनल को डिसेबल किया है, बट सच्चाई ये है कि मेरे चैनल पे किसी ने 10 से कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया था, लेकिन वाईटी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया है और मैंने अपने चैनल को रिकवर किया है। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो ना तो भगवान भी साथ देते हैं। और आज आपके सामने ये अपडेट लेकर के आई हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है। और जिसका भी चैनल मैंने इतने दिनों से नहीं देखा है, जिसकी भी वीडियो मैंने नहीं देखा है, बस मैं अब कल ही मेरा चैनल अपडेट हुआ है, तो धीरे धीरे मैं सबकी वीडियो देखूंगी। और जितने भी मेरे साथ कनेक्ट है तो प्लीज़ मेरे साथ बिल्कुल मेरे वीडियो पे रेगुलर बने रहे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, आप लोग के बिना मेरे बिल्कुल मेरा जीवन अधूरा है। और 2 साल का जो फ्रेंड्स मेरा जर्नी रहा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को एक साधारण सा मोबाइल से मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत मेहनत मैंने किया है और मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ और बस अपडेट लेकर के। लेकिन कल के अपडेट में मैंने चैनल कैसे रिकवर किया 10 स्ट्राइक के बाद, अमेजिंग है, मेरे लिए अमेजिंग है। माँ के घर पे हूँ और माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं चैती नवरात्र में ही आई हूँ मायके में, और जिस दिन विजयदशमी था ना फ्रेंड, तो मतलब क्या बोला जाता है, विजयदशमी के दिन दशहरा होता है, तो असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो हमारे घर में 2 अमेजिंग चीज़ हुई है, और एक तो मेरा चैनल लौटा है और एक और भी बहुत बड़ा अमेजिंग चीज़ हुआ है, असत्य पर हमारे फैमिली ने सत्य प्राप्त किया है, सत्य पर विजय प्राप्त की है। तो सारा अपडेट मैं धीरे धीरे लेकर के आऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी मायके मतलब आई हुई हूँ और यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ के जगह कोई नहीं। और मेरा मन जब भी घबराता है ना फ्रेंड्स, तो बस मैं आ जाती हूँ अपनी माँ के पास, क्योंकि मेरी शादी के बाद भी मेरे मतलब सास ससुर नहीं है, तो ससुराल में ऐसा कोई नहीं है कि चलो सुख दुख में कोई भी मतलब साथ दे, तो मन घबराता है, तो माँ के पास चली आती हूँ। और यहाँ आने पे बहुत सुकून मिलता है। और मैं पटना बैक होंगी, वहाँ से आपके लिए लीनाज किचन, क्राफ्टी लीना ब्लॉग, जो भी मेरा कंटेंट है उसको लेकर के मैं अपडेट होते रहूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, और मैं क्या बोलूँ, बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहा है। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट कल कर दिया था कि आई एम बैक, तो आप लोग प्लीज़ फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। बहुत लोगों ने लिखा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, लेकिन मैं भी कह दूं कि मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। और यूट्यूब जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, तो उसे अचीव करना जो होता है ना, बहुत मेहनत का काम होता है, और मैंने इतना मेहनत किया है इसमें, इतनी मेरी स्ट्रेसफुल जर्नी रही है। मैंने किस तरह से चैनल बनाया बस एक साधारण सा मोबाइल से, और उस पर कॉपीराइट आ जाना मेरे लिए बिल्कुल ये सब फ्रेंड्स नया था, क्योंकि कॉपीराइट क्या होता है, चैनल डिसेबल क्या होता है, मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, और किसने किया, कौन बंदा है, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है फ्रेंड्स, चाहे फैमिली के लोग हो चाहे फ्रेंड हो, तो सब पे बिल्कुल विश्वास ना करें, लोग आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें और अपनी मेहनत करें। भगवान मेहनत करने वालों को बिल्कुल साथ देते हैं और बहुत अच्छा। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स कि पैसा जो होता है ना, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए रावण के पास भी इतना ज़्यादा पैसा था, लेकिन उसका भी सोना का लंका जो है ना वो भी नहीं टिका, तो परिवार की मजबूती रहता है ना, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छा कर्म करते हो ना, तो भगवान भी ऊपर से साथ देते हैं, माँ बाप की भी दुआ होती है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मेरे मायके में जो है ना, मैं अपने भाइयों
भाइयों की बहुत प्यारी हूँ, माँ बाप की बहुत प्यारी हूँ, बहनों की बहुत प्यारी हूँ, तो इनका साथ और सपोर्ट मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। लेकिन फिर भी मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया कि मेरा वो लोग बोलते थे अरे क्या बात है चैनल ही चला गया ना, लेकिन इसके पीछे जो YT पर है वही समझ सकते हैं। और ख़ासकर एक हाउसवाइफ है, सारा घर का काम निपटा करके अगर एक वीडियो बनाती है, एडिट करती है, उसे बनाना कितना मुश्किल होता है, तो वही लोग समझ सकते हैं। तो इसे सब लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलती थी, रात रात भर रोती थी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई इधर, तो आँखों में सूजन भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे अपनी माँ पर बहुत भरोसा था, क्योंकि माँ मुझे, मेरी मम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो कहीं ना कहीं लगता है ऊपर से मेरे लिए बहुत बड़ा ताकत बन गई। और मैं मतलब चैत्र नवरात्र के दिन जो है ना मेरा बिल्कुल एक हॉप मतलब एक आशा सी जगी, मुझे लगा कि जैसे सपने में मम्मी बोल रही है कि अरे बेटा क्यों दुखी होती हो, तुम्हारा चैनल वापस आ जाएगा। लेकिन 10 स्ट्राइक के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि वो बिल्कुल वापस आएगा, तो मैं किसी को सपने में की भी बात नहीं बताई कि चलो इतनी बड़ी मतलब मम्मी ने मुझे सपना दिया है तो क्या यह सच हो सकता है। तो धीरे धीरे और मेरा चैनल मैंने कैसे रिकवर किया उसका भी अपडेट लेकर के आऊँगी। तो 10 स्ट्राइक आने के बाद उसके बाद, और वो लोग मुझे जानबूझ करके फेक स्ट्राइक दे करके मेरे चैनल बंद करवाने की कोशिश की, और उसका नाम भी मैं बताऊँगी और जल्द ही अपडेट लेकर के आऊँगी। क्योंकि आप बिल्कुल भरोसा ना करें, अपनों पर भी भरोसा ना करें, क्योंकि अपने लोग ही बहुत पीठ पीछे छुड़ा मारते हैं और पैसा कुछ नहीं होता। अगर एक औरत जो होती है ना फ्रेंड्स, अगर वो परिवार को अच्छी तरह से संभाल लेती है ना, तो सबसे बड़ा धन दौलत वही हो जाता। पैसे तो सब संभाल लेंगे, अगर आप मुझे 50,000 रुपये देंगे तो मैं उसे ताला लगा के बक्से में अच्छी तरह से रख लूँगी। लेकिन अगर आपको परिवार रहता है तो उसे खाना बना के खिलाना होता है, उसे पढ़ाना होता है, उसके कपड़े खींचना होता है, तो बहुत सारी जिम्मेवारी होती है। पैसा अगर संभालती है तो उसमें क्या है, पैसा लो बक्से में बंद करो ऐश करो। लेकिन अगर परिवार होता है ना तो उसके पीछे संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैंने अपनी माँ से ही सीखा है फ्रेंड, कि मेरे 3 भाइयों में मतलब मेरे बड़े भैया की डेथ के बाद मेरे मंझले भाई से भी मैं मिलवाऊंगी, क्योंकि 5 तारीख उनका मैरिज डे आने वाला है। किस तरह से उन्होंने परिवार में कर्म किया, किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी परिवार को लेकर के, मतलब अभी भी मेरे मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, तो इतना बड़ा परिवार का जो कर्तव्य है वो किस तरह से कर रहे हैं। अभी मेरे दोनों भाई जो है ना, देख के मन खुश होता, बहुत बड़ी सीख होती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो होता है ना फ्रेंड्स, अगर माँ बाप धन नहीं देते हैं ना तो लोग कहते अरे इस माँ बाप को कौन देखेगा, क्योंकि ये क्या करके गई है। लेकिन पता नहीं, मैं जिस परिवार में जन्म ली हूँ तो मुझे बहुत ये सब चीज़ मोटिवेट करता है। मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने मायके से ही सीखा है। तो बड़े भाई के गुजर जाने के बाद उनके 3 बच्चों का पालन पोषण सारा कुछ मेरे भाई ने किया, और मेरी मम्मी मतलब दूसरी माँ बन गई बच्चों को पालने में, उनके बच्चे को भी मतलब उनकी बेटी को भी हम लोग बहन लोग फिर ले जा करके और अच्छे घर में हम लोगों ने शादी किया। तो बहुत सारी है, कन्यादान का भी एक फ़र्ज होता है ना फ्रेंड, कि 100 गाय दान बराबर करने के मतलब बराबर एक कन्या का दान होता है। तो ये इतनी बड़ी जो हम लोगों ने काम किया है, अरे पैसे तो सब कोई संभाल लेंगे, लेकिन परिवार संभाल के तो दिखाओ कि परिवार क्या संभालना क्या होता है। और हिसाब किताब की रही बात, तो ऊपर वाले हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह से लगाएंगे। एक कर्म जाता है अच्छा रास्ता, एक कर्म जाता है बुरा रास्ता। तो सबसे पहले जो कर्म का रास्ता होता है ना, दो तरह से होता है, एक नरक का एक स्वर्ग का। तो असली जो होता है ना रास्ता वही होता है। तो इस तरह से, लेकिन जो सामने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, तो जो कर्म करते हैं, जो परिवार चलाते हैं ना, उनकी जुबान पे ताला रहता, कुछ नहीं बोलते हैं, अरे पैसे संभाल लो पैसे, लेकिन परिवार संभाल के तो दिखाओ। हम लोगों ने अपनी माँ से सीखा है, और अभी 2 भाइयों की फैमिली है, और मैं 5 तारीख के अपडेट में भी सारी फैमिली से पहले भी मिलवाई हूँ, अभी भी मिलवाऊँगी। और बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं है फ्रेंड्स, अगर एक माँ अगर बेटा को जन्म देती है तो बेटी को भी फर्ज होना चाहिए कि सुख दुख में साथ दे। और देखिए कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम की हूँ, तब तो मेरा मतलब 10 स्ट्राइक के बाद मेरा चैनल वापस आया और बहुत खुश हूँ। तो मैं सब YT फैमिली को बोलना चाहती हूँ कि बस अच्छा कर्म करें, और करते भी हैं, सब लोग खराब नहीं होते हैं, बस गिना चुना लोग ही जो है ना दूसरे को बर्बाद करते हैं। तो अच्छे लोगों से दोस्ती रखें, अच्छा अच्छा मोटिवेट मिलेगा आपको, और मैंने पहले भी बताया था, और मैं और बहुत सारे अपडेट के साथ मिलती रहूँगी। तो 2 दिन के बाद मेरे भैया है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो थोड़ा सेलिब्रेट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी पटना। और इस कोरोना काल में फ्रेंड्स, मैं बस रिक्वेस्ट करूँगी, स्टे सेफ स्टे केयर, क्योंकि घर पे अगर आप प्रिकॉशन लोगे ना तो ये नहीं बढ़ेगा, और बिल्कुल अच्छे से सेफ से रहे। और इस कोरोना काल में
में भी लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आते, फ्रेंड्स दूसरे को परेशान करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को इस तरह से जीवन में परेशान ना करें। ऊपर वाले कर्म बहुत लिखते हैं और ऊपर जाने के बाद भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो बस अच्छे कर्म करें। इस कोरोना काल में तो आदमी का ज़िंदगी का भी ठिकाना नहीं है, उसमें बदमाशी लोग अलग कर रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए माय लव यू YT फैमिली, थैंक यू सो मच। और आप लोग का प्यार भी कहीं ना कहीं मुझे आपके सामने ला के खड़ा किया है। मिलती हूँ एक अच्छे से दो दिन के बाद एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू YT फैमिली।